हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ते के लिए मैं एक नई डिश लेके आई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ये दाल पेस्ट है जिसमें मैंने धनिया, सूखा धनिया, सौंफ, हींग और लाल मिर्च मिला लिया था और नमक है थोड़ा सा। दाल का पेस्ट का वीडियो मैंने बनाया है, दाल बड़े का, दाल के चिल्ले का। और ये मोरन के लिए थोड़ा सा एक चम्मच मलाई लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है, आटे की क्वांटिटी के हिसाब से। स्वाद अनुसार नमक, कटा धनिया, कलौंजी, काला जीरा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जो भी पूरी वगैरह बनाते हैं काले जीरे का, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको उसना। और ये आटा मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लिया, आप इसको अंदाजन ले सकते हैं। जब भी आप पकौड़ी वगैरह बनाते हैं और आपकी दाल बच जाती है, तो उसकी दाल की पूड़ियाँ कैसी बनाई जाए, उसमें आपको आटा कितना लगेगा, आपके मेंबर के हिसाब से आप लीजिएगा क्वांटिटी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आटे को परात में डालेंगे और ये नमक है स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से हिला लेंगे। पहले काला जीरा, इसको भी हिला लेंगे अच्छे से, नहीं तो हम गीली दाल डालेंगे तो एक ही जगह चिपक जाएगा। और ये धनिया और मलाई और ये जो दाल मेरी बच गई थी पकौड़ी वाली, वो वाली, इसको पहले सूखा मिला लेंगे क्योंकि ये दाल भी गिल्ली है। कितनी पानी की क्वांटिटी लगेगी इस हिसाब से हमको पानी मिलाना है इसमें। तो पहले आप दाल को अच्छे से मिला के और मलाई को देख लेंगे कि इसमें पानी की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, क्योंकि हमको एकदम टाइट उसलना है, ढीला नहीं उसलना है, नहीं तो तलने में प्रॉब्लम होगी। ये इस तरह से हम फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको टाइट उसल लेंगे। ये गूंथने का भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख लेंगे किस तरह से ये पूड़ियों का थोड़ा सा टाइट लगेगा। थोड़ा सा इसको चिकना करने के लिए हल्का सा तेल का हाथ करेंगे इसमें, ताकि लोई और पूड़ियाँ अच्छे से बन जाए। ये हो गया हमारा आटा तैयार और मैंने तलने के लिए तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, ताकि फटाफट पूड़ियाँ हमारी उतर जाए। इस तरह से हम लंबे लंबे कर लेंगे इसके, छोटे छोटे जैसे हम फलके बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा लोई लेना है। इस तरह से इसको थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, पतला नहीं बेलना है तेल लगा के, नहीं तो फिर चकले में आपका ये चिपकेगा। इस तरह से थोड़ा सा तेल लीजिए इसको और बेलते जाइए। एक बार में 4-5 पूड़ी आप बेल के रख लीजिए, ताकि तेल आपका गर्म हो तो फटाफट उतर जाए। ये तेल मैंने स्लो में रख दिया था और गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा, इसको फटाफट फटाफट तल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल मेरा गर्म है। और तेल को एकदम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे, ताकि पूड़ियाँ हमारी जले नहीं। देखिए फूल गई है पूड़ियाँ, इस तरह से दबा दबा के झरिए को आप घुमाते रहेंगे ना, तो आपकी पूरी पूड़ियाँ फूल जाएगी। कभी भी पूड़ी हम डालते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा झरिए से दबा देना चाहिए, ताकि वो जो अंदर का है वो फूल जाए पूरा। ये हो गई है 2 पूड़ियाँ रेडी हमारी, और 2 तल लेते हैं। जब आपका ये तेल गर्म हो के थोड़ा सा ठंडा होने लगे, तो आप गैस को तेज करके ही पूड़ियाँ तलिएगा, क्योंकि स्लो फ्लेम में अगर पूड़ियाँ तलेंगे तो फूलेगी नहीं। अब मेरा तेल थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने गैस को तेज कर लिया है, और ये देखिए फटाफट फटाफट पूड़ियाँ मेरी फूलने लग गई है पूरी की पूरी। और अगर आपको लगता है फिर तेल गर्म हो रहा था, स्लो कर सकते हैं, क्योंकि इसका तेल का थोड़ा सा हमको ही देखना पड़ेगा कि कब इसको तेज करना है, कब स्लो करना है। लेकिन कोशिश करिएगा पूड़ियों को तेज आंच में ही सेकने के लिए। फ्रेंड्स, ये दाल की पूड़ियाँ गर्मा गर्म तैयार हो गई, इसको आप नाश्ते में बनाइए, दही अचार के साथ में, सॉस के साथ में बच्चों को दीजिए, टिफिन में भी बहुत टेस्टी बनती है और न्यूट्रिशियस है, क्योंकि मूंग दाल है इसमें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।